दोस्तों आप अपने नए SBI ATM का पिन आप तीन तरीके से बना सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग से, SMS के जरिए और आप ATM मशीन से। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपने नए SBI ATM का पिन इंटरनेट बैंकिंग से यानी योनो SBI से कैसे पिन को सेट करें, कैसे पिन बनाएं, इसके बाद अपने नए डेबिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट करें, उसकी लिमिट को कैसे सेट करें, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन का कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ऊपर ही आपके यहाँ पर कार्ड्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपल से यहाँ कार्ड के ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ से आपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और आप यहाँ से प्रीपेड कार्ड की डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स देखने के लिए आपके यहाँ पर माई डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ से आपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स भी देख सकते हैं, यहीं से आपने डेबिट कार्ड का पिन सेट और रीसेट भी कर सकते हैं। आपके अकाउंट में जितने भी डेबिट कार्ड लिंक होंगे यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अभी हमारे पास अकाउंट में दो डेबिट कार्ड लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक डेबिट कार्ड हमारे पर एक्सपायरी होने वाला, जिसकी एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2024। आपका पर डेबिट कार्ड एक्सपायरी होने से पहले आपके होम एड्रेस पर नया डेबिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा 2 महीने पहले। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक्सपायरी होने से पहले यहाँ पर नया डेबिट कार्ड आ चुका है, जिसकी एक्सपायरी डेट है फरवरी 2031। बाई चांस अगर आपके पास नया डेबिट कार्ड नहीं आता एक्सपायरी होने से पहले, तो यहाँ से अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से आप न्यू डेबिट कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। तो आपके यहाँ पर अप्लाई किए बगैर ही आपके होम एड्रेस पर नया डेबिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर डेबिट कार्ड आ चुका है, जिसकी आपके यहाँ पर पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो यहीं से आपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से आप मैनेज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सेट और रीसेट भी कर सकते हैं, ATM पिन यहाँ से आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको इस डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको एक्टिवेट करेंगे, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपल सा एक्टिवेट के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिड यू रिसीव द डेबिट कार्ड, अगर आपको डेबिट कार्ड रिसीव हो चुका है आपके एड्रेस पे, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पर एंटर करेंगे कार्ड नंबर, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ATM पिन सेट करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेट रीसेट ATM पिन, आपको सिंपल सा इस ऑप्शन पर जाना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंटर न्यू पिन कंफर्म न्यू पिन। तो आपका आप अपनी मर्जी के कोई 4 अंक आपको यहाँ पर एंटर कर देने, वही आपको यहाँ पर कंफर्म कर देने, इसके बाद आप नेक्स्ट। आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, आप एंटर करेंगे OTP। इन केस अगर आपके पास OTP नहीं आता है, तो आप यहाँ से रिसेंड भी कर सकते हैं, इसके बाद सबमिट। आपका सक्सेसफुली ATM पिन जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक कह रहा है अगर आप फर्स्ट टाइम में योनो से अपना ATM पिन जनरेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको SBI के ATM में ही करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने ATM कार्ड को ब्लॉक करना चाहें, तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से आप मैनेज भी कर सकते हैं और आप लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। तो ब्लॉक करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ ब्लॉक के ऑप्शन पर जाना है। अगर आप इसको टेम्परेरी ब्लॉक करना चाहें, तो आप यहाँ से इसको टेम्परेरी भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट ब्लॉक करना चाहें, तो आप यहाँ से इस कार्ड को परमानेंट भी ब्लॉक कर सकते हैं। आप अपने ATM कार्ड को मैनेज करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ मैनेज के ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ से आपने ATM कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक यूजर्स के लिए अगर आप इस ATM कार्ड को बंद करना चाहें, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूजर्स के लिए अगर आप ऑन करना चाहें, तो आप ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही आप ATM ट्रांजेक्शन, पॉस मर्चेंट ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर अगर आप ऑन ऑफ करना चाहें, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर लिमिट भी मिल जाती है, जैसे कि अगर आपकी ATM ट्रांजेक्शन लिमिट है 40,000 रुपये पर डे, अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें, तो आप यहां से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके यहां पर पॉस मर्चेंट ट्रांजेक्शन लिमिट है 75,000 रुपये पर डे, अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें, तो आप यहां से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव चेंजेस कर देंगे, तो आपके यहां पर लिमिट चेंज हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप योनो SBI एप्लीकेशन से अपने न्यू डेबिट कार्ड का पिन सेट और रीसेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।